हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी टाइम एंड वर्क सीरीज चल रही है और मैंने इसके 7 लेसन डाल दिए हैं। टाइम एंड वर्क के मैंने 7 लेसन मैंने आपके मेरे चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों की, जैसे भी एक लेवल होता है इजी से लेके मीडियम से लेके टफ तक मैंने डाल दिए हैं। आज एक आपका फाइनल राउंड होगा, ये फाइनल लेसन होगा आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। तो आज मैं थोड़े से ठीक ठाक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ एक बार। तो क्वेश्चन लोग आप पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीन पे आ गए होगा आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी मोबाइल के अंदर पढ़ लेता हूँ। मेरे पास मोबाइल ही, मैं एडिटिंग बाद में करता हूँ, तो इसलिए देख लीजिए आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, ये रहा, देखिए पढ़िए। 3 टाइपिस्ट हैं PQR, एक साथ करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। एक घंटे में आर क्यू से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर सकता है जितने क्यू पी से ज़्यादा पेज टाइप कर सकता है। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितने पेज टाइप करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब ओनली इसकी लैंग्वेज बड़ी है, बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है। मैंने क्या कहा था आपसे, आपको सिर्फ 2 या 3 चीज़ों पर काम करना है, 3 चीज़ों पर, एक तो टोटल वर्क पे, एक टाइम पे और एक एफिशिएंसी में। ये अगर आपके पास है, ये निकालना आप सीख गए, तो क्वेश्चन चाहे वो कितना ही घुमा दे, वो लैंग्वेज ही घुमाएगा आपसे। क्वेश्चन टफ नहीं होते कभी, ध्यान रखना, उसकी लैंग्वेज टफ हो सकती है, क्वेश्चन कभी भी टफ नहीं होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे आप लोग, मैंने आपको बताया था कोई भी क्वेश्चन करने का तरीके होता है M1 D1 E1 upon W1, इस तरीके से करते हो आप लोग कोई भी क्वेश्चन शुरुआत करते हैं तो टाइम एंड वर्क का, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला कि ABC जो हैं, सॉरी PQR, इसके अंदर PQR जो हैं देखिए P+Q+R, ये 3 आदमी हैं PQR, ठीक है। 4 घंटे के अंदर देखिए, ये मैन है, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैन लिखे हैं तीनों, ठीक है। तो पहले मैन लिख लिया मैंने, उसके बाद 4 घंटे क्या है आपका, दिन है या टाइम लिख सकते हैं, टाइम है, ठीक है। 216 पेज टाइप कर सकते हैं, 216 पेज क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, तो ये क्या है इसका वर्क है, ठीक है, इतना लिखना है आपको। अब क्या पूछ रहा है, जो दे रखा है और क्या क्या निकालना है, बस आपको वही क्वेश्चन बनानी है और कुछ भी निकालना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसने क्या बोला है कि तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितने पेज टाइप करेंगे, तीनों अलग अलग प्रति घंटे कितने पेज टाइप करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होगा, P × 1/x, Q × 1/x, ठीक है, अलग अलग करने, ये तो इसको बाई मान लेंगे एक बार, R × 1/z, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली, ठीक है, ये इसका काम है P का, ये Y का है, ये Z का है, अलग अलग काम है इनके, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक ही घंटे के बाद कराइए, तो ये घंटे में कितना करेगा, क्यों एक घंटे में कितना करेगा, आर एक घंटे में कितना करेगा, इतना आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना आप लोगों को लिख लेना है बस, और इतना ही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए कैसे, देखिए आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला है कि क्यू जो है पी से, सॉरी आर जो है 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितने पी 7 घंटे में करता है। क्या बोला इसने कि आर जो है 5 घंटे में उतने पेज टाइप करता है जितना पी जो है 7 घंटे में करता है। यहाँ से हम निकालना चाहें तो देखिए, यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो पी अनुपात आर का रेशियो कितना जाएगा, बताइए आप लोग, पी अनुपात आर का रेशियो कितना जाएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, अगर इस तरीके से है डायरेक्ट निकालना आप लोग, ऐसे नहीं कि इसके बटे में ले जा रहे हो फिर सोल्व कर रहे हो। पी के सामने वाली वैल्यू क्यों होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है यानी 5 हो गई। आर के सामने वाली वैल्यू क्यों होती है, आर की वैल्यू हो गई 7, तो 5 अनुपात 7 क्या आ गया, पी और आर की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब देखिए इसने क्वेश्चन में एक लैंग्वेज और बोली है, क्या बोली है, एक घंटे में आर जो है क्यू से उतने ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से। क्या बोला इसने, देखिए इसने क्या बोला है आपसे कि 3 चीज़ें हैं, पी, मैं लेता हूँ थोड़ा सा, पी है, क्यू है और आर है। इसने क्या बोला, ये 5 है और ये कितना है आपका 7 है। इसने क्या बोला, ये जो क्यू है ना, क्यू ये उससे उतने ही ज़्यादा टाइम लेता है जितना कि ये आर से कम लेता है, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए बीच की वैल्यू कैसे आएगी, 5, 6, 7, चलो ठीक है, ये तो आपने सोच लिया कि क्रम था आपका 5, 6, 7। अगर एक क्रम नहीं हो तो क्या करेंगे आप, देखिए हमें क्या करना है, 7 और 5 इन दोनों को ऐड करना है और उनका क्या करना है आपको,
क्या लेना है आपको, दो का भाग दे देना है, मतलब इनका एवरेज लेना है आप लोग, क्या लेना है, पाँच और सात का एवरेज कितना आएगा, छः आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सात प्लस पाँच करना है और दो का भाग दे देना है, कितना आएगा, छः, इससे आपकी क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो पी क्यू आर की एफिशिएंसी आएगी, बस अगर आपकी एफिशिएंसी आ गई तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। एफिशिएंसी जैसे ही आई आपका क्वेश्चन जो है 80% क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। देखिए कैसे हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में मान रख रहे हैं आप सीधे, देखिए मान रखते हैं हम 5 + 6, एक काम करते हैं हम डायरेक्ट देते हैं 6 + 5 = 11 = 18, तो मैं लेता हूँ 18 × 4/216, ठीक है। इसने बोला कि पी क्यू आर अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या करेंगे, हमें पहले पी को निकालेंगे, फिर क्यू का निकालेंगे, फिर आर का निकालेंगे। तो पहले एक इक्वेशन बराबर कर लेते हैं, एक इक्वेशन बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अब पी के मान कितना है, पी का मान कितना है आपका 5 × 1/x, इनको सोल्व कर लो आप लोग तो आपका पी का मान आ जाएगा, ठीक है। कैसे देख लिए आप लोग, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 × 36 = 18 और 3 बचेगा, ये दो बार कट जाएगा, 4 × 3 = 12 आ गया। तो देखिए एक्स मान कितना आ गया, एक्स मान आ गया 15, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग आगे सोल्व कैसे करोगे, अब आगे करो ये मान आ गया तो आप इन दोनों को ले लो। अब आपको ऐसा नहीं कि इसके अंदर सोल्व रखो, मान इसके अंदर रखोगे थोड़ा लेंथी पड़ेगा, आंसर तब भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। देखिए मैंने इसमें रख रहा हूँ मान, तो देखिए पी का मान कितना है आपका, पी का मान है 5 × 1/ ठीक है, बटे एक्स कितना आया था 15 बराबर, क्यू कितना है आपका 6 × 1/y, सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये 3 बार, वाई का मान कितना जाएगा 6 × 3 = 18, वाई का मान कितना आ गया 18 आ गया। वैसे आप लोग देखना, आप लोग अगर मैं बात करूँ, अब मैं इसको ले लेता हूँ एक बार, अगर मैं इसको ले लूँ तो देखिए इसको और इसको ले लेता हूँ, इसका मान आ चुका है ना पास, देखिए क्यू के मान कितना है आपके पास 6 है, मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहा आपको, मैं लिख रहा हूँ q × y बराबर r × 1/z। देखिए क्यू का मान कितना है, क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 6 है क्या, × 1/ वाई का मान कितना है 18, आर कितना है आपका 7 × 1 और जेड निकालना है, सोल्व कर लेंगे 3 में कट जाएगा और जेड का मान कितना जाएगा आपका, जेड का मान कितना जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। जेड का मान कितना आ गया आपका 21 आ गया आपका, तो इतना वो आपको वो सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसने बोला था कि पी क्यू आर इसको कितने दिन में करेंगे, देखिए एक्स करेगा 15 दिन में, ठीक है, वाई करेगा 18 दिन में और जेड करेगा 21 दिन में। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं आपको फिर समझा रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व मैंने कैसे किया, इसने जैसे बोला मैंने वैसे ही वैसे लिख दिया, इसने लिखा कि पी क्यू आर जो है किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं और 216 काम करते हैं, 216 काम कर दिया। तो इसने पूछा क्या हमसे कि पी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, आर इस काम को कितने दिन में करेगा, इस तरह से हमसे इसने पूछा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें को करना क्या है, इसमें पी क्यू आर की एफिशिएंसी में रख दी, एफिशिएंसी हमने यहाँ पे निकाल ली थी क्या, एफिशिएंसी निकालने के बाद इसमें मान रख दिया हमने, फिर हमने क्या करा, एक इक्वेशन ये ली और एक ये ली, दो इक्वेशन सोल्व कर ली मैंने, उसके बाद आपका एक्स का मान आ गया 15, ऐसे वाई का मान आ गया 18, फिर आ गया जेड का मान 21। इस तरीके से आपको क्या करना है, सोल्व कर लेना है अलग अलग इनको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। देखिए ध्यान रखना, जब भी मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ तो उसको पहले वीडियो को पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश क्या करो, जब तक आप क्वेश्चन खुद करने की सोल्व करने की कोशिश नहीं करोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, अगर समझ में आ गया तो आप बाद में भूल जाओगे, क्या कह रहा हूँ समझा। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करो, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ स्क्रीन पर, तो उसको पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोल्व करने की कोशिश क्या करो, अगर आप सोल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर सोल्व नहीं होता है तो आपको एक मेथड पता लगेगा, आपने अपना जो एफर्ट लगाया है वो आपके काम आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए स्क्रीन पर, एक बार उसको सोल्व करने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके, ठीक है। आपने सोल्व करने की कोशिश की होगी, तो देखिए इसने क्या बोला है कि 3 टाइपिस्ट हैं ABC 8 घंटे 7 काम करके 20 दिन में 900 पेज टाइप करते हैं, 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए पेज 1 घंटे में सी द्वारा टाइप किए पेज के बराबर है, तो एक दिन में सी कितने पेज टाइप करता है, अगर बी जो है एक दिन में ए उतने ज़्यादा पेज टाइप करता है जितने सी जो है एक दिन में बी से टाइप करता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज है, अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया सेम क्वेश्चन वही है,
ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार सोल्व करने की कोशिश करना, और आपने कर लिया होगा तो देखिए। अब मैं चेक करता हूँ उसको। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, मैं लिखना है ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी जो है इस काम करते हैं 20 दिन में करते हैं, ठीक है, और 8 घंटे काम करते हैं, टाइम लिख लिया, बटे बटे क्या आएगा 900, क्यों वर्क है आपका ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इसने, पूछा क्या है वो देखो आप लोग एक बार। बाद में इसने पूछा है कि एक दिन में सी जो है कितने पेज टाइप करता है, एक दिन में सी जो है वो कितने पेज टाइप करता है, सी एक दिन में कितने पेज टाइप करता है, यानी कि एक्स पेज टाइप करता है, मैंने मान लिया। अब ध्यान रखना है, यहाँ बोला है इसने एक दिन, इसने यहाँ पर घंटे की बात नहीं बोली है। अगर इसने यहाँ घंटे की बात नहीं बोली है तो हम यहाँ पर घंटे को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर घंटे को काउंट नहीं करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों, इसने सिर्फ बोला है कि आपको एक दिन में कितना काम करना है, इसने ये नहीं बोला कि एक दिन में भी 8 घंटे में कितना काम करना है, सिर्फ इसने एक दिन की बात करी है, तो हम सिर्फ इसको एक दिन के बराबर लेंगे, ठीक है। इसका 20 दिन लेंगे, इसका एक दिन लेंगे, घंटे हम काउंट नहीं करेंगे, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए गए पेज, 4 घंटे में ए द्वारा टाइप किए पेज किसके बराबर हैं, एक घंटे में सी द्वारा टाइप किए, एक घंटे में सी द्वारा टाइप किए हुए पेज के बराबर है। तो यहाँ से आपकी ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, नहीं आएगी बताइए, ए की और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आएगी बताइए, ये आ जाएगी आपकी, ए का मान कितना आएगा, एक आ जाएगा, सी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो बी का मान कितना आएगा, बी का मान कितना आएगा बताइए। देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का क्या लेना है आप लोगों को, एवरेज लेना है, यानी कि दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा करना है, तो 4 और एक 5, 5 बटे 2 आएगा नहीं आएगा, 5/2 आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 चल जाएगा क्या, 2:5 कितना जाएगा, 8। तो ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। जैसे ही आपकी एफिशिएंसी आएगी, आपका 80% क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, 20% ही आप लोगों को करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस अपन क्या करते हैं लैंग्वेज में उलझ जाते हैं, लैंग्वेज में उलझने के बाद क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपसे टफ हो जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको लैंग्वेज में नहीं उलझना है, आपको जो दे रखा है वैसे वैसे सोल्व करते रहना है। देखिए यहाँ पे हम इसकी फिर मान रख देंगे, सेकंड क्वेश्चन था आपका ये, देखिए कितना ये 8 और 5 13 और 2 15, तो 15 × 20 बटे कितना जाएगा 900 बराबर। सी की मान कितना है आपका, सी का मान है 8 × 1 बटे एक्स, एक्स मान निकालना आप लोगों को, सोल्व कर लेंगे तो 15 सी की 90 आ जाएगा क्या, 20 दिया कितना जाएगा, 60 आ जाएगा, तो एक्स मान कितना आ जाएगा, 24। तो सी जो है वो कितने पेज टाइप करता है, 24 पेज टाइप करता है, बस इतना सा आंसर था। देख लिए कितना आसान क्वेश्चन था और कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, लैंग्वेज कितनी बड़ी थी और लिख कितना रखा था। अगर आपसे बोला कि बी अकेला कितना करेगा, तो आप इसको लिख लेंगे b × 1, इसको y मान लेंगे, वही पिछला क्वेश्चन बन जाएगा वापस आपका। तो देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अपन क्वेश्चन को टफ बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, आपको सिर्फ एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए, एफिशिएंसी और एक टोटल वर्क, इन पे ही आपको काम करना है। मेरी एक बार फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि टाइम एंड वर्क के अंदर आपको क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, अगला क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिख रहा है देखिए। ए जो है किसी इमारत को 20 दिन में बनाता है, बी उसी इमारत को 30 दिन में बनाता है, दोनों साथ काम करके इमारत को बनाने में 15 दिन का समय लेते हैं, साथ काम करते हुए वे प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं, तो इमारत को बनाने में लगने वाले ईंटों की संख्या बताइए। देखिए वही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स कर दिया और आप लोग घबरा गए। आपको घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने सोल्व करने की कोशिश किया होगा तो अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। देखिए इसने क्या बोला कि ए किसी काम करता है 20 दिन में, ए करता है किसी काम को 20 दिन में, और बी जो है 30 दिन में करता है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम लेना है। सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, 20 + 60 + 30 × 60 कितना आ गया, 5। दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 आ गई। लेकिन इसने क्या बोला है आपसे, अगर ये दोनों साथ काम करते तो इमारत को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का समय लगता। क्या बोल रहा है ये, अगर ये दोनों साथ काम करते, अगर ये दोनों साथ काम करते तो इमारत को जो है 15 दिन का टाइम लगता। अगर 15 दिन का टाइम लगता तो मुझे बताइए एफिशिएंसी कितनी होती, 15 सी की 90 होती नहीं होती, एफिशिएंसी कितनी होती, 6 होती। अगर ये अलग अलग काम करते तो एफिशिएंसी होती 5, ठीक है। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो एफिशिएंसी होती है 6। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला आपसे कि साथ काम करते हुए वे प्रतिदिन 10 ईंटें कम लगाते हैं,
10 ईंटें कम लगा रहे हैं। अब मुझे एक नहीं बताइए, पहले एफिशिएंसी 5 थी अब 6 हो गई, मतलब एक एफिशिएंसी कम हो रही है, एक एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो एक की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है आपकी बताइए, आप लोग मिलके कितनी है, क्वेश्चन में दे रखा है 10, एक की वैल्यू कितनी है 10। इसने बोला कि टोटल कितनी ईंटें लगाएंगी, टोटल में काम कितना था 60 था आपका, तो 60 की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी बताइए, 10 इंटू 60 कर देंगे तो आ जाएगा 600, यानी कि टोटल कितनी ईंटें लगाएगा वो, 600 ईंटें लगाया। बताइए कितना आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ भी तो नहीं करना था। मैंने क्या लिखा क्वेश्चन में, ए जो है 20 ईंट लगाता है, बी लगाता है 30 ईंटें, तो मैंने क्या करा, टोटल लोड निकाला, उसके बाद मैंने एफिशिएंसी ली 3 और 2। अगर मैं अलग अलग काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, अलग अलग काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। अगर ये एक साथ काम करते हैं तो ये काम को 15 दिन में कर रहे हैं, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। और इसने क्या बोला कि ऐसा करने पर वो जो है 10 ईंटें कम लगाते हैं, तो यानी कि पहले 5 लगा रहा था अब 6 लगा रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी है 10 है, तो टोटल कितना है 60, तो 60 ईंटें कितने में लगाएगा, 600 दिन। बस इतना ही काम था आपका और इतना ही आपका सॉल्यूशन था। बताइए क्वेश्चन इतना छोटा होता है लेकिन आप क्वेश्चन को लैंग्वेज देख के घबरा जाते हो और आपसे क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कभी देख के घबराना नहीं है, उसको सोल्व करने की एक बार कोशिश करनी है। आपको क्वेश्चन सोल्व तो करो, एक बार क्वेश्चन को एक बार सोल्व करने की कोशिश तो करो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आप तो क्वेश्चन देख, जैसे ही आपने बड़ी लैंग्वेज देखी आप घबरा जाते हो, ठीक है, घबराना नहीं है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए आपकी स्क्रीन पर आगे होगा, देखिए अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपको तो लगेगा कि सर ये क्या क्वेश्चन है। देखिए, ए व बी जो है बारी बारी से अकेले एक एक दिन कार्य करते हैं, यदि ए कार्य स्टार्ट करता है तो पूरा कार्य जो है 17 दिन में पूरा हो जाता है, ठीक है, यदि बी कार्य को आरंभ करता है तो कार्य 17 से ही 2 बड़े दिन में पूरा होता है, तो दोनों मिलकर जो हैं इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या आपका, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। इसने बोला कि अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि पहले क्या बोला इसने कि दोनों काम करते हैं 17 दिन के अंदर, ठीक है। अगर ए स्टार्ट करता है, अगर ये ए स्टार्ट करेगा, अगर ये मैं लिख दूँ यहाँ पर, ए स्टार्ट करता है, अगर ए स्टार्ट करेगा किसी काम को तो मुझे बताइए, पहले तो ये बराबर और काम करेंगे, टोटल काम कितना है आपका 17 काम है, टोटल काम कितना है 17 काम है। अगर ये 17 काम है तो पहले तो कर देंगे बराबर 8-8 काम कर देंगे, पहले तो ये 8-8 काम बराबर बराबर कर देंगे, लेकिन स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो बराबर करने के बाद काम कितना बच गया, एक, तो वो कौन करेगा, ए करेगा, क्यों, स्टार्ट कर रहा ना भैया, अब इसे वापस से देखिए, पहले ये करेगा फिर ये करेगा, फिर वापस किसका नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा, तो एक दिन ये कर देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि बाद में काम कितना हो गया आपका 17 से ही 2/3, काम कितना हो गया 17 से ही 2/3, ठीक है। अब इसने बोला कि बी करता है स्टार्ट, इस काम को कौन करता है स्टार्ट, बी करता है, अगर इस काम को बी स्टार्ट करेगा तो मुझे बताइए, पहले तो ये काम 8-8 कर लेंगे, नहीं करेंगे, पहले तो बराबर करेंगे, ये भी 8 करेगा, ये भी 8 करेगा, उसके बाद स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है बी, अब बी स्टार्ट कर रहा है, देखिए पहले बी ने किया 8, फिर ए ने किया 8, अब कितना कब गया काम, 1 से ही 2/3, ठीक है, तो एक काम तो ये कर देगा, क्या एक काम तो ये कर देगा, अब कितना काम बच गया 2/3, तो वो कौन करेगा, ये करेगा। बस इतना ही क्वेश्चन था आप लोगों का, आपको करना क्या है, टोटल काम कितना था आपका 17 काम था, तो हमने क्या करा, पहले इनसे बराबर वाला काम कर दिया, 8 इसने कर दिया, 8 इसने कर दिया, कौन स्टार्ट कर रहा है, ए कर रहा है, तो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है, 8 इसने कर दिया, इसने कर दिया, फिर नंबर किसका आएगा, फिर ए का आएगा, तो बचा हुआ काम कौन कर देगा, ए कर देगा। ऐसे 17 से ही 2/3 काम था आपका, 17 से ही 2/3 काम था, तो मुझे बताइए अगर ये 8 काम कर देगा, स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, तो पहले 8 काम बी करेगा, फिर 8 काम ए करेगा, अब नंबर किसका आएगा, वापस इससे बी का आएगा कि नहीं आएगा, तो बी कितना करेगा, एक काम करता है बी, फिर अब कितना काम बच गया 2/3, तो वो कौन करेगा, ए करेगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना था आप लोगों को, ठीक है। और इसको अगर सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप लोग तो कैसे लिख सकते हैं, ए और बी को, इसको लिखेंगे 9, इसको लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे 8 से ही 2/3, इसको लिखेंगे अपन 9। बस इतना ही आप लोगों को सोल्व करना था। अब देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है वो देखिए आप लोग, देखिए ए का जो काम है, एक कितना करता है 9 करता है, लेकिन बाद में कितना करता है 8 से ही 2/3, तो कितना काम शेष रह गया, ए का कितना काम शेष रह गया बताइए आप लोग, 1/3 शेष रहेगा, 9 में से अगर आप ये घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 9 में से 8 गया तो 8 तो कर गया, कितना बचा 2/3, तो कितना बचेगा 1/3, ठीक है 1/3 बच गया। इसको कौन करेगा, इसको कौन करेगा, बी करेगा, बी कितने दिन में करेगा, 8 से 9 में, यानी कि एक दिन में कर देगा, ठीक है क्या, इतना आप लोगों को समझना है। यहाँ से क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, यहाँ से कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 जाएगा इधर 3/1, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो इसने क्या बोला है
इसने बोला है कि दोनों साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना आसान बन गया। जैसे इसने बोला कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मुझे बताइए कैसे निकालते हैं। टोटल पर निकालते हैं, निकालते बटेगा निकालते हैं अपन लोग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी आ चुकी है अपने पास, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे देखिए। ये रहा, दोनों में से कोई भी ले लो, ये दो, ये भी टोटल वर्क है और ये भी क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, आंसर आपको बराबर आएगा। जो सिंपल वे में दे रखा है उसको लेना है आप लोगों को। जैसे मैंने ये लिया 9 और 8, बात यही है ना, 9 और 8, तो 9 और 8 लिया मैंने। क्या करा मैंने, 9 था ये, तो देखिए 9 हो गया, इससे गुणा कर देंगे ए से, कितना देगा 3, प्लस बी करता है 8, कितना एफिशिएंसी 1 है। ये एफिशिएंसी है ना इसकी मेरी, ये 9 एफिशिएंसी कितनी है की 3 है। बी की बात करें, 8 काम करता है, एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो टोटल काम कितना हो गया 9 27 और 8 कितना हो गया 35। टोटल काम अगर आपका 35 हो गया, टोटल काम अगर आपका 35 हो गया और एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो कितने दिन में काम कर देंगे ये 4 6 24 4 8 32, अरे 3 सही 4 बटे 3, इतना आपको टाइम लगेगा क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल काम था आपका 17 था, तो ए और बी स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। अगर इस काम को ए स्टार्ट कर रहा है तो देखिए, पहले तो ए स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ से करेंगे स्टार्ट। 8 काम ये करेगा, 8 काम ये करेगा, अब कितना काम बच गया 1, कौन करेगा भाई, इसके बाद नंबर किसका आएगा, अब इसका नंबर आएगा, तो एक काम ये करेगा, ठीक है। अब देखिए टोटल काम कितना आपका 17 सही 2/3 काम होता, तो देखिए अब कौन स्टार्ट कर रहा है, बी। अगर बी स्टार्ट कर रहा है तो देखिए पहले 8 काम करेगा बी, फिर नंबर आएगा ए का, ये 8 कर देगा, फिर नंबर वापस किसका आएगा ए का, तो एक काम ये कर देगा। अब कितना बच गया शेष काम 2/3, तो कौन करेगा, वापस से कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करा इसने, उसके बाद क्या किया भाई, देखिए ए का कितना काम बच गया, ए करता है 9 काम, लेकिन काम कितना किया इसने 8 सही 2/3, तो ए का कितना काम बच गया 1/3, वो कौन करेगा, बी करेगा 1 दिन के अंदर। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने 2-3 बार इसको मैंने समझा दिया है। अगला क्वेश्चन भी मैं इसी तरह का रहता हूँ, अगला वो आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट पकड़ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार देखने, कम से कम 3 या 4 बार इसका रिविजन मानना है, तब लगा आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ये पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ए तथा बी साथ में अलग अलग दिन काम करते हैं और काम को 19 दिन में ख़त्म करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है, ठीक है, लेकिन काम अगर 19 सही 5/6 दिन में ख़त्म होता है, अगर काम जो है बी शुरू करता है, तो ज्ञात करें कि ए और बी जो है मिलकर इस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। देखिए वही तरीका करना है आपको, यहाँ लिखना है आपको ए, फिर लिखना है बी, ठीक है। अब बताइए स्टार्ट कौन कर रहा है, पहले स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है। काम कितना है, काम है आपका कितना है 19, काम कितना है 19 है, ठीक है, काम कितना है 19 है। फिर क्या हो रहा है, काम कितना हो गया आपका 19 सही 5/6, यही काम है ना आपका, काम है आपका 19 सही 5/6, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ 19 सही 5/6। अब स्टार्ट कौन कर रहा है, स्टार्ट कौन कर रहा है, बी कर रहा है, बस इतना ही लिखना है आप लोगों, ठीक है। अब देखिए अगर टोटल काम 19 है और इस काम को ए स्टार्ट कर रहा है, तो पहले इनसे बराबर बराबर काम करा देंगे। अगर ये काम कर देगा 9, तो ये भी कर देगा 9, इसने स्टार्ट किया 9 कर दिया, फिर इसका नंबर आया इसने कर दिया, अब वापस ए का नंबर आएगा, अब 18 काम हो गया, कितना काम बच गया 1, कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। अब देखिए वैसे अगर मैं बात करूं बी की, अगर मैं बी की बात करूं तो मुझे बताइए, अब बी स्टार्ट कर रहा है, बी स्टार्ट कर रहा है तो पहले करेगा ये 9 काम करेगा बी, ठीक है, उसके बाद एक अगर नंबर आएगा ये करेगा 9 काम, 18 काम हो गया, कितना बचा 1 सही 5/6, अब वापस एक काम करेगा, एक काम कौन करेगा, बी करेगा, क्यों, पहले इसने किया फिर इसने किया, फिर वापस नंबर आएगा बी का, तो इसने ये कर देगा 1, अब कितना काम बच गया 5/6, अब नंबर किसका आएगा, वापस इसका आएगा, तो ये कितना कर देगा 5/6, बस, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप लोग, ए और बी को, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा कितना 9 सही 5/6, यह आ जाएगा 10, ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन सिंपल हो गया कैसे, देखिए आप लोग मुझे बताइए, ए जो है वो करता है 10 काम करता है, लेकिन काम कितना किया इसने 9 सही 5/6, तो कितना काम शेष रह गया, कितना काम शेष रह गया 1/6 रह गया, नहीं रह गया, ठीक है,
कैसे निकालते हैं शेष? छः में से पाँच गया तो कितना बचेगा? एक। नीचे उधर टोटल, टोटल में से पाँच काम कर दिया तो कितना बचा? एक। एक काम कितने से बचा? छः में से। तो एक में से एक काम बच गया छः में से, ठीक है। अब वो कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बताइए? छः अनुपात एक आई नहीं आई, छः अनुपात एक इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी आ गई तो मुझे बताइए अगर ए और बी इस काम को कितने दिन में करेंगे तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कैसे निकालते हैं मुझे बताइए आप लोग? टोटल वर्क बटे क्या आएगा? एफिशिएंसी। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? इसमें मान रखते हैं कहीं भी एक कितना काम करता है? 10। एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो मैं लिख दूंगा 10 इंटू 6 प्लस बी करता है कितना काम? 9। एफिशिएंसी कितनी है? 1। कितना हो गया? और एफिशिएंसी कितनी है? 7। 60 और 9 कितना हो गया? 69 बटे 7। बस यही आंसर है। आगे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो उसको भी। 7 × 63 कितना आएगा? 4/7 डेज। इतना सा सॉल्यूशन था आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है, वापस मैंने इस तरह क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, बस ये है कि क्वेश्चन में बस ओनली लैंग्वेज ही चेंज होती है। क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही टफ होती है और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने बेसिक अगर ढंग से पढ़ा है, बस मैं ध्यान रखना बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो अर्थमेटिक हो, चाहे वो एडवांस हो, आपकी कोई सी मैथ हो या कोई भी टॉपिक हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो मैं इतना समझता हूँ कि आप कहीं भी नहीं अटकोगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप कहीं भी नहीं अटकोगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने की स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आप लोग स्क्रीन पर आ गया होगा। ए तथा बी एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर 14/19 भाग कर सकते हैं, तो ए बी सी के कार्य करने की क्षमता बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। ए और बी जो हैं वो करते हैं 11/19 काम, ठीक है। और बी और सी जो हैं वो करते हैं कितने में? 14/19 सही है ना? 14/19 हाँ ठीक है। अब देखिए आपको एफिशिएंसी निकालनी है, आपको कुछ निकालना ही नहीं है, ठीक है। देखिए पहली बात तो देखिए टोटल काम कौन सा होता है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं बोलूँ 2/3 तो 3 क्या होता है आपका? टोटल होता है। और 2 क्या होता है आपका? शेष काम होता है। ये तो आपको होता है शेष काम, जी क्या होता है आपका? टोटल काम। इतना आप लोगों को पता होगा, ये होता है टोटल, ये होता है आपका रिमेनिंग, ये क्या होता है आपका? रिमेनिंग, ठीक है। अब देखिए टोटल काम कितना है? 19 है। अभी यहाँ भी कितना है? 19 है। यहाँ भी 19 है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। टोटल कितना होगा आपका? 19, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो कि टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 19 है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, अगर टोटल 19 है ना, और ए और बी कितना है आपका? ए और बी कितना है? 11 है। अगर ए और बी 11 है तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 19 है। और अगर ए प्लस बी कितना है आपका? 11 है, तो मुझे बताइए सी का मान कितना आएगा? सी का मान कितना है? 11 हटा देंगे तो आ जाएगा 8। वैसे मुझे बताइए अगर बी प्लस सी का मान कितना है आपका? 14 है, तो मुझे बताइए ए कितना बचेगा? ए कितना बचेगा? 19 में चलेंगे तो बताएगा 5। ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया। तो मुझे बताइए ए का मान अगर 5 है, सी का मान 8 है, तो बी का मान कितना बचेगा? टोटल कितना है? 19। 8 × 5 = 13, 19 में से 13 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6। तो बस ये निकालना था वो ए बी और सी के पेशन निकाल लेते, कितने आ गए? 5, 6 और 8। बस इतना ही आंसर है। आपको इतना करने की भी ज़रूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको समझा दिया है बेसिक के अंदर। आपको तो सीधा सीधा सोचना था कि ए और बी कितना है आपका? 11 है, तो कितना बचा? 8। सी का मैं यहाँ पे, तो सी का मान कितना आ गया? 8 आ गया। बी और सी कितना है? 14 है, तो ए का मान कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है क्या? यहाँ तो सुना होगा आप लोगों। अब बी का मान कितना आ जाएगा? देखिए 8 × 5 = 13, तो कितना जाएगा? 6। बस ये तो आपको डायरेक्ट भी आ गया था, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया बेसिक कैसे कैसे करते हैं, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर टोटल वर्क अलग अलग हो, अगर टोटल वर्क यहाँ पे 19 होता है, यहाँ पर 10 होता है, तो हम क्या करते हैं? पहले इसको सेम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? सेम करते, ठीक है। यहाँ पर खुद ने सेम दे रखा है तो हमें करने की ज़रूरत है नहीं।
देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जितना मैंने पढ़ाया है तो आपको इसका रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, टाइम एंड वर्क आपका आज यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके मैंने 8 लेसन बना दिए हैं, तो आपको कंप्लीट 8 लेसन आपको ढंग से पढ़ने हैं। 3 या 4 पर आपको इसका रिवीजन मारना है, ठीक है। रिवीजन तो मारना ही मारना है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। और बेसिक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है, तो आपको फर्स्ट वीडियो से लेके आपकी 8 वीडियो तक कंप्लीट देख लोगे तो टाइम एंड वर्क का आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा, ये आपसे मेरा वादा है। लेकिन बस कंडीशन यही है कि आप लोगों को पूरा प्रॉपर देखना है, उसका रिवीजन करना है सही से, ठीक है। तो अगला लेसन जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा पाइपिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो जितना मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन मारना है आप लोगों को। और हाँ, एक चीज़ आप याद रखना, आपको वीडियो को लाइक और शेयर तो आपको करते रहना है, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दिया करो वीडियो को लाइक और शेयर करके, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।